ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगम के चुनाव के बाबत आज मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि ये चुनाव जो नवंबर में होने वाले हैं और उसके आगे आगे भी जब कभी चुनाव होंगे नगर परिषदों के, पालिकाओं के और निगम के, वो सब अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होंगे। मंत्रिमंडल ने अपना फैसला जिन कारणों से बदला है उनमें कई प्रमुख कारण है। वो प्रमुख कारण इस प्रकार के हैं कि एक तो जनता में भय, आक्रोश और अविश्वास तथा हिंसा का माहौल देखने को मिलता है। आपके पूर्व पार्षद हैं और जो पार्षद का चुनाव लड़ने वाले हैं उनसे जब राय मिलाई गई तो उनके दो तीन बिंदु थे। वो पहला बिंदु तो ये कहते थे कि अगर आपने डायरेक्ट इलेक्शन करवा दिया तो वो हमारे द्वारा तो चुना हुआ नहीं है, वो तो जनता के द्वारा चुना हुआ है, तो इसलिए वो हमारे बताए हुए विकास के कार्यों को इग्नोर करता है, हमारे बताई हुई समस्या को जो है इग्नोर करके और अपना काम करता है कि मैं तो सीधा जनता के द्वारा चुना गया हूँ। ठीक इसी तरीके से चुना हुआ व्यक्ति, डायरेक्ट इलेक्शन में चुना हुआ व्यक्ति भी उन लोगों से ज़्यादा संपर्क नहीं रखता, पार्षदों से, तो पार्षद अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, नीचा महसूस करते हैं कि हमारी को हम पार्षद हम चुन करके आए हैं तो हम हमारे वार्ड की जनता की अपेक्षाओं को जो है वो पूरी, आशाओं को पूरी नहीं कर पाएगी, इसलिए वो उनका उनकी सबकी भी राय ये बनती है जो नगर पालिकाओं के चुनाव में जो है शौक लेते हैं या चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं उन लोगों की भी ये इच्छा होती है कि डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। इसलिए आम जनता भी ये चाहती है कि हम जो काम बताएं वो पार्षद अव्वल वक्त पे करें। आज के माहौल को देखते हुए जब सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ा हुआ है, जितने भी उपचुनाव अभी लोकसभा के हुए हों, सॉरी विधानसभा के हुए हों, उनमें भी ये देखने को मिला है कि जनता को जातिवार बांटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है, हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश की गई है, एक वर्ग को अलग रखने की कोशिश की गई है। हम ये चाहते हैं कि जनता में प्रेम बना रहे, समरसता, प्रेम और भाईचारा बना रहे, इसलिए हम इस बात पर जो है आज फैसला किया है मंत्रिमंडल ने कि डायरेक्ट इलेक्शंस में हमेशा ही हिंसा, भय और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश विपक्ष के द्वारा जो की जाती है वो इस बार न हो पाए। डायरेक्ट चुना हुआ आदमी हमारी बात नहीं सुनता, उस वक्त आम जनता ये कहती है कि हम उससे, ये पार्षद से ये कह सकते हैं कि तुम्हारा चुना हुआ व्यक्ति जो है वो मेयर बना हुआ है, वो सभापति बना हुआ है, वो अध्यक्ष बना हुआ है, उसको क्यों नहीं, तुम जो है तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको सुनो। जयपुर का उदाहरण सामने है, पिछली बार 2009 में हमने यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस करवाए थे। डायरेक्ट इलेक्शन जब करवाए थे तो यहाँ पर 60-62 की तादाद में तो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड पार्षद जीत गए थे और 20-25 के आसपास जो है वो कांग्रेस के पार्षद जीते थे, लेकिन मेयर यहाँ पर कांग्रेस का बन गई थी, उसका नतीजा ये हुआ। इसी तरीके से और भी कई नगर पालिकाएँ थी और कई परिषद थी, एक अकेला जयपुर ही नहीं था जहाँ पर बहुमत तो था भारतीय जनता पार्टी का लेकिन मेयर जो है वो कांग्रेस पार्टी का बन गया, या इसे उल्टा समझ लें कि मेयर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का बन गया और बहुमत जो है पार्षदों का वो कांग्रेस का आ गया। तो आपस में इतनी नाइतफाकी होती थी कि विकास के काम जो है वो बिल्कुल जो है हो नहीं पाते थे।
कोई ना कोई विवाद हमेशा पैदा होता था, बल्कि बोर्डों की बोर्ड की मीटिंग तक नहीं होती थी। जयपुर में जो है 1.5 साल तक एक बार मीटिंग नहीं हुई। हमने फिर जो है उस मीटिंग को बुलाने के लिए पाबंद किया उनको, तब जाकर के बैठक हो पाई। इसे लोकतांत्रिक निर्णय भी कहा जा सकता है। विधायक मिलकर के मुख्यमंत्री चुनते हैं, सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री चुनते हैं, उसी तरीके से पार्षद मिलकर के अपना मेयर चुने। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री को चुना जाता है विधायकों के द्वारा। तो विधायक मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री के पास जाकर के ये कह सकते हैं कि आप हमारे चुने हुए लोग, हमारे द्वारा चुने गए हो, इसलिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में निम्न काम होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा मुख्यमंत्री का डायरेक्ट इलेक्शन होने लग जाएगा तो निश्चित तौर पर MLA अपने आप को गिरा हुआ महसूस करेगा। आरोप लगा रहे हैं कि संघ के लोगों को बिठा रखा है, तो होता रहता है सरकार में, खुलेआम आपके छोटी मोटी बातें हैं, सब चलती रहती है। आपके विधायक सब चलती रहती है, छोटी मोटी बातें। पत्र लिखा सी भरत सिंह ने, पत्र लिखा सी को कि प्रमोद चौधरी भ्रष्टाचार कर रहा है। मुझे उसकी जानकारी नहीं है, चर्चाओं में भी है कि तबादलों में धनबल का बहुत बोलबाला रहा है, काफी मंत्रियों के नाम भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? कौन सा चुनाव ऐसा है जिसमें धनबल और बहुबल का बाहुबल का आरोप लगता है? तबादलों की बात कर, तबादलों की तबादले ट्रांसफर तबादले होते आए और होते रहेंगे ऐसे ही, जिस तरह से धनबल के आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से धनबल के आरोप हमेशा होता रहता है। इंतजाम कर रही है सब जगह, सब जगह इंतजाम कर रही है, आपको कहाँ कमी दिख रही है? नहीं नहीं सर, आपने कहा ही सोच, मैं तो ये कह रहा हूँ माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, माहौल बनाया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर भी माहौल बनता है सरकार काम करती है। तो इसी वजह से एजेंडा बदल दिया निश्चित तौर पर, ये भी एक कारण है, और भी कई कारण है, ये अकेला ये नहीं है। इसमें ये भी दिक्कत आती है कि जो सीधे चुनकर जो मेयर आते थे, जैसे जयपुर को उदाहरण आपने दिया, तो इसमें कई बार MLA और वहाँ के जो स्थानीय जो सांसद होते हैं उनसे भी बड़ा समझने लगते हैं, वो भी अपने आप को नीचे गिरा हुआ समझते थे, क्योंकि वो जो चुना हुआ आदमी होता था वो कहता था मैं 25 लाख आदमियों के द्वारा चुना गया हूँ, और मेयर जो है वो सांसद MLA कुल मिलाकर के 2.5 लाख के आदमी के ऊपर चुनता था सर। तो ये हार्ड बर्निंग जो है न केवल पार्षदों की होती है, बल्कि जो विधायक हैं उनकी भी हार्ड बर्निंग होती थी, और बल्कि लोकसभा के सदस्य की भी हार्ड बर्निंग होती थी, क्योंकि कई जगह इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती थी कि जिससे जो है वो लोकसभा का सदस्य की कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाती थी मेयर की, जैसे जयपुर में लोकतंत्र के पैरी नहीं मानते उनको, कैसे सर नहीं मानते? इमरजेंसी में बंद हुए, क्या पूरा हो गए? इमरजेंसी में बंद हो गए तो क्या हुआ? क्या वो फर्जी स्वतंत्रता सेनानी तो हुआ है जिसने की स्वतंत्र देश की स्वतंत्रता का वो लड़ा है, संग्राम लड़ा है हम इनको स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानते। इसमें DIR वाले भी शामिल हैं क्या? और डिसीजन क्या है सर? कैबिनेट कैबिनेट और क्या फैसले लिए गए? बोर्ड का क्या कैबिनेट की उसमें क्या? कैबिनेट में और क्या फैसले हुए? और तो कई फैसले हैं। 2009 में हमने डायरेक्ट इलेक्शन करवाए, उन्हीं के परिणामों को देख करके और उन्हीं टाइम उसी वक्त को देख करके आज हमने ये दोबारा फैसला किया है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उन्होंने हमारा ये डिसीजन बदला, लेकिन हमने उसका अपोज नहीं किया, हमने उसकी कोई ज़्यादा खिलाफत नहीं करी इस बात की कि तुमने हमारा क्यों बदला, क्योंकि हम जानते थे कि डायरेक्ट इलेक्शन के जो है कई अवगुण अगर वो और निश्चित तौर पर उसका असर भी पड़ा। तो आज जो ये फैसला किया गया है ये जनहित को देख करके किया गया सर। लेकिन जब घोषणा पत्र बन रहा था, जितना होमवर्क आपने अब किया है तमाम बातें बताइए, तो जब घोषणा पत्र बन रहा था तब क्या ये होमवर्क नहीं किया गया था या फौरी तौर पे बंदी में अगर वो 19 महीने जेल में रहे थे ये तो उनकी गलतियाँ थी, अगर वो ये गवर्नमेंट को लिख करके दे देते करेंगे तो हम स्वच्छ राजनीति में भाग लेंगे तो उनको ढूंढ दिया जाता, उस वक्त किसने माफी नहीं मांगी? क्या सावरकर साहब ने माफी नहीं मांगी? नौ बार उन्होंने लिख करके दिया कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, 9 बार। अगर उनको छूटना था और जो है कानून व्यवस्था के साथ में चलना था और स्वच्छ राजनीति करनी थी तो उनको लिख के दे देना चाहिए था, 19 महीने बंद नहीं रहते वो। आप कहते हैं वो फेक फ्रीडम फाइटर थे सर, फेक फ्रीडम फाइटर थे, नकली
हम उनको स्वतंत्र सेनानी नहीं मानते, लोकतंत्र के प्रहरी नहीं मानते उनको। क्या बीजेपी ने अपने नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए पेंशन चालू की? निश्चित तौर पर रोडवेज की पास वगैरह बंद कर दो, सारी सुविधाएं बंद, मेडिकल और रोडवेज की सुविधा का भी बंद, जो अभी तक मिलता था उसको रेगुलाइज किया है। ये नहीं किया कि काम उनसे वसूल किया जाए, वसूल नहीं आगे से तमाम मेडिकल की रोडवेज की सुविधा बंद। सर थानों में लगातार 10 में मौत के मामले मोटे मोटे बदल रहे सर, सुनो सुनो वही भी जाएगी सर, वही जाना अधीनस्थ कार्यालय लिपिक है कोई, उनके बाबत सेवा नियमों में कोई परिवर्तन था, अनुसूचित जाति क्षेत्र के कार्मिक विभाग द्वारा जो शादी करके लड़कियां थी उसको, हाँ वो लड़की अगर मान लीजिए टीएसपी से बाहर से आती शादी करके, टीएसपी से बाहर शादी करके आती तो उसको उसका विशेष मूल निवासी का दर्जा देने का, अगर वो अनुसूचित क्षेत्र की ना होकर के दूसरे क्षेत्र की होती थी और वो जाति और शादी होकर के वो चली जाती थी अनुसूचित क्षेत्र में, तो उसको जो है वो लाभ पहले नहीं मिलता था, अब मिलेगा उसको लाभ। पंचायती राज संस्थाओं के बारे के पुनर्गठन के बाबत जो समिति बनी है उसको उसको माना है, महावीर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के ऊपर जो शास्ति लगाई गई थी उसको माफ किया है, और केस था हाईकोर्ट हाईकोर्ट का कोई केस था, हाईकोर्ट का कोई पेंडिंग केस था उसके बाबा के मुकेश मुद्गल को स्टेनो थे रिक्त पद के विरुद्ध उनका समर्थन किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के साइकोलॉजिकल काउंसलर के पद को सम्मिलित किए जाने के बाबत भी फैसला हुआ है। सर भगवान महावीर अस्पताल है उसमें टोकन मनी पर, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।